C3 और C4 प्लांट्स क्या होते हैं? तो C3 प्लांट्स जनरली वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल में होती है। साथ ही साथ इनका जो पहला प्रोडक्ट होता है यानी कि स्टेबल प्रोडक्ट, वो होता है PGA, और इसमें जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है वो जनरली होता है RUPP। ये जनरली आपके कूल सीजन प्लांट्स होते हैं जिसमें आते हैं राइस और इसके अलावा आपके आते हैं वीट। अब इसके अलावा C4 प्लांट्स की बात करते हैं, तो C4 प्लांट्स में जनरली जो फोटोसिंथेसिस होती है वो दोनों में होती है, मेसोफिल सेल और बंडल सीड सेल में। इसमें जनरली हमारे आते हैं मेज या अमेरेंथस, इस टाइप के प्लांट्स आते हैं। ये वार्म सीजन प्लांट्स होते हैं और इनमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो आपका 4-कार्बन प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के साथ।